Assalamu alaikum my YouTube family, how are you all? I hope that you all fine. Welcome to my channel and I am Anwar. Welcome to another vlog. आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ 5 इजी एंड क्विक रेसिपी ऑफ स्नैक्स जिसे आप रेनी डेज में भी घर में इजीली बना सकते इस व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप एक ही बटर से किस तरह 5 स्नैक्स बना सकते हैं पकौड़ा रेसिपी की। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 5 क्रंची पकौड़ा रेसिपी जिसे आप 5 मिनट्स में अपने घर पर रेडी कर सकते हैं। कीप सपोर्टिंग माई चैनल। अगर मेरे चैनल की वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अगर ये रेसिपीज आपको अच्छी लगती हैं तो घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि रेसिपी कैसी लगी आपको। बेसन के स्पेस से आप बना सकते हैं बेसन के पकौड़े, लेकिन मैं अभी बेसन के पकौड़े नहीं बना रही, मैं आपको डिफरेंट स्नैक्स बनाना सिखाऊंगी आज। सबसे पहले जो मैं आपको सिखाऊंगी वो एग पकौड़ा रेसिपी जो कि बहुत ही यम्मी क्रिस्पी है। स्पाइसी मिर्च पकौड़ा रेसिपी। प्याज के पकौड़े की रेसिपी, आलू के पकौड़े की रेसिपी, पालक के पकौड़े की रेसिपी, ये तमाम रेसिपीज मैं शेयर करूंगी। पालक के पकौड़े भी आपको बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही स्पाइसी, क्रंची एंड यमी बनते हैं। एक ही बेसन से किस तरह डिफरेंट स्नैक्स बना सकते हैं चलिए शेयर करती हूँ 5 इजी क्विक स्नैक्स रेसिपी के लिए। जिन चीज़ों की नीड है वो आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ लिए हैं बॉयल एग्स 3, पोटैटोस बॉयल किए हुए 2 लिए हैं, स्पाइनिश स्पंज मैंने 1 लिया है, 5 to 6 पीसेस की नीड होगी मुझे यहाँ पर। अनियन मैंने लिया है 2 to 3, इसे मिर्च लिया है मैंने 6 पीसेस, इसे किस तरह कट करके फिल करना है वो भी आपसे शेयर करूँगी। सिंपल नाइफ से एक कट लगाना है, इसमें चाट मसाला और आमचूर पाउडर ऐड कर देना है। जिस तरह मैं कर रही हूँ आपने भी इसी तरह करना है। आप चाहें तो इसमें आलू की फिलिंग भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर वो यूज़ नहीं कर रही। अब इस एग को इस तरह कट कर लेना है, ये आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है कि आप इसे हाफ भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसे राउंड शेप में कट कर रही हूँ। आलू और प्याज को ऑलरेडी मैंने राउंड शेप में कट कर लिया है। अब मेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसमें डिप करके आपको पकौड़े फ्राई करने हैं। मैंने यहाँ लिया है बेसन 2 कप। अब जो चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी वो आपसे शेयर करूँगी। गार्लिक पेस्ट 1 टी स्पून मैंने बेसन में ऐड किया है। नाउ नेक्स्ट मैं इस बेसन में ऐड करूंगी 1/2 टी स्पून बेकिंग सोडा। मैं आपसे बिल्कुल सिंपल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करूंगी। अब मैं ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर 1/2 टी स्पून। डिफरेंट रेसिपीज आपको यूट्यूब में देखने को मिल जाएंगी लेकिन मैं जो आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत सिंपल एंड क्विक रेसिपी है। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी 1 टी स्पून। अब मैं इसमें ऐड करूंगी फूटर 1/2 टी स्पून, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, आप चाहें तो ना ऐड करें। तमाम चीज़ों को मैंने इस बॉल में ऐड कर लिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करूंगी मिक्स वेल। ये देखें आप इस तरीके से मिक्स करना है। अब मैं वाटर ऐड करूंगी 1/2 कप। अच्छी तरीके से मिक्स करना है, इसे थिक पेस्ट बनाना है, थिन पेस्ट नहीं। तमाम चीज़ों को आपको मीडियम लो फ्लेम में फ्राई करना है। सबसे पहले मैं अंडे के पकौड़े बना रही हूँ, ये देखें आप इस तरह आपको एक एक पीसेस को स्पेस में डिप करना है, देन फ्राई पैन में डाल देना है। ये देखें आप तमाम अंडों को पेस्ट में मिक्स करके मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है। आपने इसे डीप फ्राई करना है लो फ्लेम में। जब ये एक तरफ से ब्राउन हो जाए तो दूसरी तरफ इसे टर्न कर देना है आपने। यमी क्रिस्पी एंड क्रंची एग पकौड़ा इज रेडी। ये देखें आप, ये देखें आप कलर, जब इस तरह का कलर आ जाए तो आपने इसे निकाल लेना है, डिश आउट कर लेना है। ये देखें आप, अब मैंने तमाम अंडे के पकौड़े को निकाल लिया है। अब इसी पेस्ट में मैं आलू के थिन पीसेस जो मैंने कट किए थे वो इसमें डिप करूंगी, कवर करूंगी एंड देन इसे भी ऐड कर दूंगी फ्राई पैन में। ये देखें आप, और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि आलू पकौड़ा इज रेडी। जी व्यूअर्स, ये देखें आलू पकौड़ा इज रेडी, देखने में बहुत ही यमी एंड क्रिस्पी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएँ कि कैसे बने। एक तरफ हैं अंडे के पकौड़े, दूसरी तरफ हैं आलू के पकौड़े, ये देखें। नाउ व्यूअर्स, अब अनियन पकौड़ा रेसिपी की बारी है। ये देखें आप, मैं इसी
पेस्ट में शामिल करूंगी वो पीसेस जो मैंने कट किए थे और इसे फ्राई पैन में डाल दूंगी। देन आप देखेंगे कि 2 मिनट में तैयार हो जाएंगे प्याज के पकौड़े। जी व्यूवर्स, रेसिपी आपको कैसी लग रही है? मुझे पता है कि ना सिर्फ अच्छी लग रही है बल्कि इंटरेस्टिंग भी लग रही है। क्यों ना हो, 1 पेस्ट 5 फायदे, 5 स्नैक्स के जो मैं रेसिपी बता रही हूँ आपको, बहुत ही क्विक एंड सिंपल रेसिपी है। क्या सोच रहे हैं, फिर जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। एंड लिसन, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। जी व्यूवर्स, अब जो मैं शेयर कर रही हूँ आपसे वो है स्पाइसी मिर्च पकौड़ा रेसिपी। इसे आपने बेसन के पेस्ट में ऐड करना है, अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है ताकि ये कंप्लीट कवर हो जाए बेसन के पेस्ट से। स्वाइप करना है, देन इसे शामिल कर देना है फ्राई पैन में। तमाम स्नैक्स रेसिपी, पकौड़ा रेसिपी जो मैं शेयर कर रही हूँ उसे आपने मीडियम लो फ्लेम में फ्राई करना है और साथ में इसे कुछ देर बाद टर्न भी कर देना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। इसे डिश आउट ना करें आप। ये देखें, मैंने तमाम जो है मिर्च को इसमें ऐड कर दिया है कवर करने के बाद। स्पाइसी मिर्च पकौड़ा इज़ रेडी। मैं इसे भी निकाल रही हूँ, ये देखें आप। अब जो मैं फ्राई करूँगी वो है पालक के पकौड़े। पालक के पकौड़े बनाने से पहले मैं एक मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे शेयर करना चाहूँगी। ये बेसन का जो मिक्सर आप देख रहे हैं, ये बैटर, इसे आप देख रहे हैं कि थिक पेस्ट है। इसे थिन करना है पहले आपको। इसमें वाटर ऐड करूँगी, इसे थिन करूँगी, देन मैं आपको पकौड़े बनाकर दिखाऊँगी पालक के। ये देखिए व्यूअर्स, इतना ही थिन पेस्ट आपको भी बनाना है जितना मैंने बनाया है। पालक के मैंने 5 से 6 पीसेस लिए थे, अब मैं इसे भी कंप्लीट डिप करूँगी इस पेस्ट में और इसे शामिल कर दूँगी फ्राई पैन में। ये देखें आप, अच्छी तरीके से इसे कोट करना है, अच्छी तरीके से इस पेस्ट को इसे कवर करना है जिस तरह मैं कर रही हूँ। ये देखें आप, और ये बहुत ही क्रंची और यमी बनते हैं। क्रंची पालक पकौड़ा इज ऑल्सो रेडी। अब मैं इसे भी डिश आउट कर रही हूँ। ये देखें आप, ये देखने से ही बहुत क्रंची लग रहे हैं। ये देखें व्यूवर्स, रेनी डे स्नैक्स रेसिपी में ये, अगर आप इसे बनाएं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि कैसे बने। वैसे तो पालक मुझे पसंद नहीं है लेकिन ये देखने में बहुत क्रिस्पी। अब मुझे दाल के पकौड़े फ्राई करने हैं। मैंने दाल के पकौड़े की रेसिपी कम्प्लीट अपने चैनल पर शेयर की हुई है, अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। पकौड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। ये देखें व्यूवर्स, मैं इसे निकाल रही हूँ। साथ में मैंने सुपर स्ट्रॉन्ग चाय भी बनाई है क्योंकि हमारे घर में जो है वो स्ट्रॉन्ग या सुपर स्ट्रॉन्ग चाय पी जाती है। स्पाइसी यमी मिंट चटनी मैंने इमली डालकर भी बनाई है क्योंकि पकौड़े हो और चटनी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 5 to 6 डिफरेंट स्नैक्स रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की, ओवरऑल लुक आपसे शेयर कर रही हूँ। साथ में इमली की चटनी भी है, साथ में सुपर स्ट्रॉन्ग चाय भी है। रेनी डे सीजन में या टी टाइम में ये स्नैक्स ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बारिश हो और स्ट्रॉन्ग चाय ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसी स्नैक्स के व्यू के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। एक ही बेसन से आप 5 डिफरेंट स्नैक्स किस तरह बना सकते हैं मैंने आज आपसे शेयर किया। आप भी अपने घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि 5 डिफरेंट स्नैक्स का ये व्लॉग आपको कैसे लगा और ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे चैनल की वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।